हेलो गाइस, वेलकम टू बोलो मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम चर्चा और मैं फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज फाइनली हम लोग पहुंच गए पेंटर के यहाँ। आज सैटरडे, अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 बजने वाले और मैं लेट हो गया यहाँ आने, और अखिल भाई काफ़ी गुस्सा है मुझ पे। तो अभी कैंडी स्प्रे होना स्टार्ट भी हो चुका है। तो लास्ट व्लॉग में हमने देखा था कि बेस सिल्वर और बेस ब्लैक हो गया था, तो आज अखिल भाई सिल्वर के ऊपर रेड ग्लिटर मार रहे और ब्लैक मैक्विल हमारा वहाँ पड़ा है ये वाला। तो गाइस फाइनली रेड स्प्रे करके पूरा हो चुका है, ये हमारा कास्टिंग भी ब्लैक स्प्रे मार के हो चुका है। ये बेस ब्लैक है, इसके ऊपर ग्लिटर आएगा लेखर में मिलाकर, फिर इसको सुखा कर लगा देंगे हम। मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक इसका इसका और इसका काम हो जाना चाहिए। ये सारा आज सूख जाएगा तो फिर हम इसे कल ले जाएंगे और फिटिंग कर देंगे, फिर बाद में बॉडी खोल के इधर ले आएंगे। तो गाइज आज है संडे और आज अभी बज रहे 2:07 और अभी हम जा रहे हैं अखिल भाई के पास में। हमारा पेंट किया हुआ व्हील और कास्टिंग सब रेडी हो गया, तो उसे कलेक्ट करेंगे और आज जाके फिटिंग करेंगे वो चीज़ का, फिर बाद में बॉडी ओपन करके ले आ जाएंगे इनके पास। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कैसा लग रहा है। कल मैं फ़ोटो में देख लिया हूँ बट सामने देखने में बहुत फर्क है, एक नंबर दिख रहा है भाई। ये रेड रेड तेरे को ऐसे ही रेड चाहिए था ना जयेश भाई, अंदर दाना दाना वो मेटल। अरे हाँ, मेटल फ्लेक्स नहीं है पर ग्लिटर है छोटा। अभी चाकू घुस जाएगा, नहीं नहीं घुस रहा, हवा निकल जाएगा और मस्त दिख रहा है भाई। तो गाइस फाइनली हमारा पेंट करवा के हो गया मैक्विल, और ये चेक करो इसमें हम लोग ने एक्चुअली ग्लिटर्स डाले, ये दिख रहे रहेंगे आप लोग को। सेम चीज़ मैट पे किया है हम लोग ने, एक्चुअली ग्लिटर्स लिए थे रेड पे डालने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली वो रेड से ज़्यादा अच्छा ब्लैक पे दिख रहा है। ये कास्टिंग चेक करो, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसे ही आया हमारे पास। ये सब पॉसिबल हुआ है हमको अखिल भाई की वजह से। हाय बोला अखिल भाई। तो अभी हम जाके इसे फिट कर देंगे फटाफट गाड़ी पे और बॉडी पैनल्स लेके आएंगे। बॉडी पैनल्स कल छोड़ो ना आपके यहाँ, तो बॉडी पैनल्स कल ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद में उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत है। कलर एज इट इज़ यही रहेगा रेड और मैट ब्लैक, तो रेड हाईलाइट हो इसलिए हम लोग ने ब्लैक को मैट कर दिया। तो एक बार वो बॉडी लेके आ जाएंगे तब आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको। कटप्पा, ये गाड़ी में भी नया अपडेट कराया हमने, इसमें फ्लोर लाइट्स लगाए और इसका इंटीरियर पूरा रैप किया है। ये चीज़ रैप है, स्टेयरिंग का कवर रैप है, ये भी रैप किया है, डोर हैंडल्स रैप किए है, आगे भी पीछे भी, ये हमारा मैक्वेल ये भी रैप किया हुआ है, ये हैंडल भी रैप किया है। ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर में बहुत कुछ रैप किया है। अभी हम लोग इसमें भी काफ़ी चेंजेस करने वाले हैं, ये जो डैशबोर्ड है इस पर भी हम लोग एलकेंटारा लेदर लगाने वाले हैं। अभी कलर हम लोग ने मोस्ट प्रोबेबली पर्पल सोचे और सियान सोचे। गाइस फाइनली हम लोग चिरा बाजार पहुंच गए और अभी सारा सामान बाइक के पास लेके जा रहे हैं।
उधर जाके रखेंगे, फिर कुछ खाएंगे और फिर काम स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना। और ये रही हमारी प्यारी, ये आप देख सकते हो पहले का रेड और अभी का रेड, काफ़ी डिफरेंस है। ये ब्राइट है, ग्लिटर है, ये डार्क है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि मैं यहाँ ब्लॉग शूट करने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर है ना पूजा चालू है और स्पीकर पे बहुत आवाज़ हो रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर ब्लॉग शूट कर पाऊँगा। तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स ले लूँगा और ट्राई करूँगा कि पीछे से वॉइस ऐड कर दूँ और वो अच्छे से हो जाए। तो गाइस फाइनली हमारा व्हील फिक्स हो गया, काफ़ी मेहनत लग गई इसे फिक्स करने। एक्चुअली ये डिस्टेंस बहुत टाइट रहता है तो उसे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में ये चेन टेंशन, साड़ी गार्ड इसमें बहुत प्रॉब्लम देता है, इधर इसको पुश करने को जगह नहीं मिलता है। बट फाइनली अभी पीछे व्हील हो गया है, अभी इसके बाद में सिर्फ आगे का व्हील बचा है। उसका ABS डिस्क वहाँ पर है, वो मैक व्हील पे लगा कर फिर फाइनली ये जैक हटा देंगे हम लोग। अभी आगे के व्हील पे भी डिस्क का प्लेसमेंट हो गया, अभी ये इसके डिस्टेंस है और ये उसके बोल्ट्स है। थोड़ा इसे क्लीन करेंगे और इस पे लगा देंगे, उसके बाद में ये व्हील आगे अपन लगा देंगे। तो गाइस फाइनली अभी कास्टिंग भी निकाल दी है और उसके ऊपर ये हम नया वाला ब्रेक पंप फिट कर रहे हैं। एक्चुअली लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि पुराने ब्रेक पंप में यहाँ से ऑयल लीक हो रहा था, तो हम लोग ने ये नया लाए, इसके बॉटल भी नया ला दिए। अभी इसको सब फिटिंग करेंगे, यहाँ का स्प्रिंग लगाने का बाकी है, फिर इसको यहाँ प्लेस कर देंगे और पीछे ब्रेक का ब्लीडिंग करना चालू कर देंगे तो ब्रेक वर्किंग हो जाएगा। और उसके बाद आगे का तो प्रॉपर है, आगे का सब सेट हो गया ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो व्हील कितना ब्राइट दिख रहा है। एज इट इज़ कलर बॉडी पे आएगा और ये वाइट जो भी सेक्शन है ये सब वो ब्लैक हो जाएगा जैसा कास्टिंग पे वैसा, और ये वाइट एज इट इज़ वाइट रहेगा, पर इससे थोड़ा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा येलो है। तो गाइस अभी नया बैटरी लाया था, वो नया बैटरी फिट कर रहे हैं। इसका पुराना बैटरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो वापस चार्ज नहीं हो रहा था। तो गाइज़ ये हमारा RS का एग्जॉस्ट सिस्टम, बाहर से इतना बड़ा दिखता है बट अंदर बहुत छोटा सा ये पीस है। इससे थोड़ा शार्पनेस आता है आवाज़ में और अभी बेस ज़्यादा आ रहा है आवाज़ में, दे रेज से थोड़ा हल्का हल्का धीरे बोला रे ऐसा नहीं, ऐसे ज़्यादा अच्छा साउंड आता है इसका। तो गाइज़ फाइनली हमारा ब्रेकिंग सिस्टम भी प्रॉपर हो चुका है, प्रेशर आ गया है, सिर्फ ये बॉक्स को जगह पे प्लेस करना है, यहाँ का कास्टिंग लग जाएगा तो ये यहाँ पर लग जाएगा। बाकी फुटरेस्ट हम लोग ने अभी नया मंगाया है, मार्केट में अवेलेबल नहीं था तो ऑर्डर देके आए हैं, तो वो कल परसों में आ जाएगा तो हो जाएगा। बाकी ब्रेक्स भी प्रॉपरली लग गए और ये व्हील का लुक तो भाई नेक्स्ट लेवल जा रहा है, ये चीज़ भी भाई बहुत सही दिख रही है। ये सारी चीज़ें अभी रात में इतनी विजिबल नहीं रही है बट जब डे टाइम में जाएंगे ना तो ये बहुत ख़तरनाक। और ध्यान से देख लो ये गाड़ी को, मैं बेट लगाता हूँ कि जो हालत में ये अभी है बनने के बाद भाई कोई पहचानेगा ही नहीं कि ये वही गाड़ी थी। मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस आने वाला है गाड़ी में और किसी के पास इतनी अच्छी गाड़ी रही ही नहीं फिर। तो गाइस फाइनली हमारा ये कास्टिंग लगा कर भी हो गया है और ये फुटरेस्ट भी लगा दिया है, ये नया फुटरेस्ट है BS6 NS का और ये बहुत सेक्सी दिख रहा है, हमारे ये कलर के साथ ये बहुत मैच कर रहा है। और ये फुटरेस्ट के पीछे हम लोग ने बहुत टाइम वेस्ट किया है, ये रबर का पूरा पैकेट खरीदा हम लोग ने लिटरली कि अगली बार भी यूज़ हो जाए, सिंगल पीस नहीं मिल रहा था उसका। फिर ये रॉड और ये वाइशर, ये क्लिप और ये ओरिंग का एक सेट था, और ये जो ये पतला प्लेट है जिसके अंदर एक बॉल पर एक स्प्रिंग लगता है उसका एक सेट था, तो ये सारे सेट का बड़ा पैकेट मंगा लिया हम लोग ने। और इसका फिनिश देख सकते हो आप, ये लिटरली लॉक हो रहा है। और पल्सर NS RS में कोई इतना एफर्ट नहीं डालता है इस फुटरेस्ट के पीछे, बट हम लोग को ये लॉक होता हुआ बहुत अच्छा लगता है, परफेक्शन मैटर्स।
है वो चीज़ जो हमें बहुत ना चाहिए। ये मिलना बहुत मुश्किल है और दूसरा ये प्लेट मिलना बहुत मुश्किल है। ये सेकेंड हैंड भी नहीं डाल सकते, ये नया रहना ही इम्पोर्टेंट है। ये साइड का फुटरेस्ट भी फिक्स करके हो गया है। ये साउंड सुनो आप, बहुत सेक्सी साउंड है। ये गाड़ी के पीछे कितना पसारा कर दिया हम लोग ने, लिटरली पूरा फुटपाथ कैप्चर कर लिया। गैराज लेने का ज़रूरत पड़ेगा मुझे। अभी गाड़ी बनी भी नहीं है और ऑलरेडी 5 लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया है ये व्हील के लिए। इसका कलर कैमरा में तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट लाइव देखोगे आप तो वास्ट डिफरेंस है और इसका शाइन नेक्स्ट लेवल भी। और ये भी उससे वही बात कर रहे हैं कि कलर अच्छा दिख रहा है करके।